अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट फलक शेर कैसरानी, आप देख रहे हैं क्रिप्टो गैंग पाकिस्तान। दोस्तों, मैं काफ़ी अरसे से आप दोस्तों को बता रहा हूं क्रिप्टो के मुतालिक, और कोशिश कर रहा हूं आप दोस्तों को क्रिप्टो की जो ओरिजिनल अपडेट है वो दूँ, और इस हवाले से मेरा जो चैनल है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नज़र आ रहा है, और काफ़ी दोस्त मेरे चैनल से इंगेज भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों, आज की दो बड़ी न्यूज़ हैं। सबसे पहले न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको BTC का बताऊँगा, इसके बाद एक मज़े की चीज़ वो बता रहा हूँ कौन से कॉइन डीलिस्ट हो रहे हैं, मतलब बना से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ICP का जो फ्यूचर्स का ऑप्शन है वो डिलीस्ट हो चुका है। तो आपको बताने का मकसद ये था कि डिलीस्ट होने के बाद आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ICP को आप स्पॉट में ही बाई करेंगे, और मैं एक चीज़ बता दूं, ICP काफ़ी ज़्यादा पंप करने वाला। इसके अलावा दूसरा एक और कॉइन भी है जो डिलीस्ट हो रहा है, वो कौन सा कॉइन है? तो वो दूसरा कॉइन है TLM। तो इसका मतलब भी नोटिफिकेशन बिनांस पे आ चुका है और वो भी डिलीस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, ये दो ऐसी खबरें थी जिनके मतलब आप दोस्तों को बताना चाहिए था। सबसे पहले मैंने ज़ाती तौर पर समझा। इसके अलावा कुछ दोस्त मुझसे काफ़ी अरसे से पूछ रहे हैं लूना क्लासिक के मतलब, तो उसे बाई करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लूना क्लासिक जो है उसको आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिप कर चुका है। पिछले 30 डेज में वो 100% डाउन हुआ है, और 7 डेज में आपको बता दूं लूने के मुतालिक जो मैं आपको बता दूं वो 29% डाउन हुआ है। तो इस हवाले से लूने के मुतालिक एक और चीज़ भी मैं आप दोस्तों से आज क्लियर कर देता हूं, यहां पे आज के दिन भी 6% डाउन हुआ है। तो इसके अलावा लूना जो दूसरा है, लूना क्लासिक नहीं लूना, तो ये कहाँ तक जा सकता है नीचे? तो मैं आपको बता दूं, ये भी काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगा, और $1 या $2 पे आपको मुयस्सर होगा, क्योंकि इसके मुतलक जो मैंने अपने राय जानी है या मैंने इसके मुतलक जो पढ़ा है, तो इसके हवाले से ये इतना बेस्ट कॉइन लूना भी अब नहीं रहा। तो काइंडली आप लूना 2 या 3rd लूना आएगा और 4th आएगा तो आप इनमें किसी में भी इन्वेस्ट ना करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आज की सबसे बड़ी बिग न्यूज़, कौन सा कॉइन बाई करना चाहिए। तो CTSI जिन दोस्तों ने बाई कर लिया था या आज बाई करने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं CTSI बहुत तगड़ा पंप लेने वाला है, और जिन दोस्तों के पास होल्ड होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा CTSI अपने पास होल्ड रखें, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत जल्द ट्रेंडिंग में CTSI आने वाला है, और अपना ये ऑल टाइम हाई जो $1.75 है तो उसे भी तोड़ देगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ उम्मीद काफ़ी है, क्योंकि इसमें होल्डर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और इसमें इन्वेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं कुछ कॉइन रिकमेंड कर देता हूं, अगर आप मेरे कहने पे होल्ड रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप फ्यूचर मिलीनियर आप ही होंगे। तो दोस्तों, इसके बाद एक कॉइन है गाला, तो गाला को आप होल्ड करें, और इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूँ ये 100% पम्प करने वाला है नेक्स्ट वीक तक। तो आपको बताने का मकसद है 50% ये पिछले कुछ दिनों में डाउन हुआ है, तो आपको बता दूं ये 100% पंप करने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने गाला, CTSI और थीटा कॉइन बाई करने हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी इस मुतालिक लाजमी राय दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपको अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।